आपका क्वेश्चन है, अ सर्कस टेंट इज सिलेंड्रिकल टू अ हाइट ऑफ 3 मीटर्स एंड अ कॉनिकल अबव इट। इफ इट्स डायमीटर इज 105 मीटर्स एंड स्लैंट हाइट इज 53 मीटर्स, कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द कैनवास 5 मीटर वाइड टू मेक द रिक्वायर्ड टेंट। ठीक है, नाउ तो सबसे पहले समझते हैं इसने क्या कहा। इसने कहा आपके पास में क्या है, सर्कस टेंट कैसा है, उसके टू पोर्शंस है, एक सिलेंड्रिकल पार्ट है एक कॉनिकल पार्ट है। तो कोन कहां पर है, अबव द सिलेंडर। ठीक है, तो सेम चीज हम बनाते हैं तो आपका कैसे आएगा, लाइक दिस। तो कोन इज दिस एंड सिलेंड्रिकल पार्ट इज दिस। ठीक है, नाउ अब इसमें आप नीचे सर्कल बनाओ और सेंटर में फिर सर्कल बनाओ, तो दिस इज द टेंट। नाउ अब इसने मेजर्स क्या दे रखे हैं वो हम लिखते हैं। तो मेजर्स इसने दे रखा है, पहले हाइट इज 3 मीटर्स, तो और किसका है, सिलेंडर का। तो दिस इज द हाइट फ्रॉम ईयर टू ईयर, दिस इज 3 मीटर्स, तो एच इज 3 मीटर्स। ठीक है, नाउ और इसने क्या कहा है, देखो कि आपके पास में कॉनिकल अबव इट इफ इट्स डायमीटर इज 105, तो डायमीटर मीन्स फ्रॉम ईयर टू ईयर दिस पोर्शन इज कितना दे रखा है, 105 मीटर्स, तो डी इज इक्वल टू 105 मीटर्स। तो रेडियस कितना हो गया हमारा, 105/2 मीटर्स। तो अब आप देखो सिलेंडर का और कोन का दोनों का रेडियस इज सेम है ना, सेम है, तो हम सेम लिखते हैं, रेडियस ऑफ कोन इज इक्वल टू रेडियस ऑफ सिलेंडर, दैट इज इक्वल टू 105/2 मीटर्स। और क्या दिया है, हाइट ऑफ द सिलेंडर, एच ऑफ सिलेंडर, दैट इज इक्वल टू 3 मीटर्स। और मेजर्स क्या दे रखे हैं, द स्लैंट हाइट इज 53 मीटर्स, दैट मीन दिस साइड एल इज इक्वल टू 53 मीटर्स। तो सेम चीज लिखते हैं हम, एल ऑफ कोन इज इक्वल टू 53 मीटर्स। ठीक है, नाउ और इसने क्या दे रखा है, देखो कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द कैनवास 5 मीटर्स वाइड टू मेक द रिक्वायर्ड टेंट। तो सपोज कैनवास हमारा कैसा है, लाइक दिस। ठीक है, तो दिस विड्थ इज योर 5 मीटर्स, तो वी हैव टू फाइंड आउट द लेंथ इज व्हाट। तो अब आपको क्या करना है, क्या करना है, पहले आपको निकालना है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द टेंट, फुल टेंट। तो उसके अंदर आपका क्या है, सीएसए ऑफ कोन प्लस CSA ऑफ सिलेंडर, तो जितना ये कर्व सरफेस एरिया बनेगा दैट इज इक्वल टू द कैनवास का एरिया। तो ये आपका कैसा है, रेक्टेंगल L इंटू बी, तो L इंटू 5। ठीक है, नो अब इसमें हम वैल्यू डालते हैं, तो आपका क्या है, पाई आर एल प्लस 2πRH, सिलेंडर का 2πRH है आपका कर्व सरफेस एरिया, दैट इज इक्वल टू 5L। ठीक है, इसके अंदर वैल्यू डालो दोनों में, देखो दिस इज कॉमन, दोनों ये कॉमन है, पाई एंड आर इज कॉमन, पाई एंड आर इज कॉमन है ना, क्योंकि आर इज सेम, अगर डिफरेंट होता तो कॉमन नहीं है। नाउ
तो अब आपका क्या हो गया, पाई आर इंटू एल प्लस टू एच दैट इज इक्वल टू फाइव इंटू लेंथ, लेंथ ऑफ अ दिस, नॉट स्लैंट हाइट नहीं है ये, तो एल ई एन जी टी एच लेंथ लिखते हैं, ठीक है ना। तो अब ये देखो क्या आ गया, 22/7 इंटू आर, आर इज 105/2 नाउ ब्रैकेट के अंदर एल, एल इज 53 प्लस 2 इंटू एच, तो 2 इंटू 3 इज 6 इज इक्वल टू 5L। अब लिख सकते हैं 5L क्योंकि लेंथ हम फाइंड आउट कर रहे हैं ना। तो आप देखो 7 एंड 105 कट रहा है, कितना 1 एंड 5 15 टाइम्स ना, 2 एंड 12 कट रहा है 11 टाइम्स, तो कितना हो गया हमारा ये 11 इंटू 15 इंटू 59 दैट इज इक्वल टू 5L। तो L कितना हो गया, L इज इक्वल टू दिस बाय 5, तो 11 इंटू 15 इंटू 59 बाय 5, तो 5 एंड 15 कट रहा है 3 टाइम्स, तो कितना हो गया 33 इंटू 59, तो L इज इक्वल टू 33 इंटू 59, मल्टीप्लाई करो देखो कितना आ रहा है आपका 59 एंड 33 27 टू कैरी 17 तो 177 7491 1947 तो आपका लेंथ आ गया 1947 मीटर्स इज द लेंथ ऑफ द कैनवास रिक्वायर्ड, ठीक है। तो आपको इसको इस तरह से निकालना है।